चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला जो इंटीग्रेशन का हमारा चैप्टर चला हुआ था उसके दो वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये नेक्स्ट देखिए। इससे पहले एक वीडियो था ग्राफ वाले पोर्शन का पूरा, एक में बिल्कुल बेसिक यूज बताया था कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, उसमें तो सिंपल मैंने आपको एक वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला तो वन एंड ओनली वही है कि वाई डी एक्स और लिमिट हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अलग अलग वेराइटीज है इसमें क्वेश्चन की, चार पांच वेराइटी हैं, ज़्यादा नहीं है, आसान हो जाता है चैप्टर पूरा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें x इक्वल टू वन से लेकर x इक्वल टू फोर मतलब लिमिट भी आपको प्रोवाइड कर रखी थी, आपको x एक्सिस के बारे में भी बता रखा था, लेकिन यहाँ तो सिंपल एक कर्व की इक्वेशन दे के छोड़ दी। अब हम लिमिट वगैरह हमें खुद फाइंड करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे कि जब एक सिंगल सी इक्वेशन हमें दे के छोड़ दी हम कैसे कैसे उसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो ये इलिप्स दे रखा है आपको, तो आपको इलिप्स बनाना आता होगा। आप ऐसे एक इलिप्स जनरेट कर लोगे क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू ज़्यादा और बी की वैल्यू कम है, तो इस टाइप का इलिप्स बन जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस वाला। अगर ए की वैल्यू कम बी की ज़्यादा होती तो फिर ये वाला बनता, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का जो वर्किंग मेथड है वो सेम रहेगा। फिलहाल आपने ये इलिप्स बनाया, इलिप्स को बनाने के बाद इन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लो। ये पॉइंट 40 होगा मतलब यहाँ x की वैल्यू 4 होगी, ये वाला पॉइंट माइनस 40 होगा मतलब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 4 होगी। अब आपको इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वाई डी एक्स, फॉर्मूला तो सिर्फ यही है हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास यही है, एरिया इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। अब इसमें वाई क्या है, तो वाई तो भाइयों ये हो जाता है वाई की इस कर्व की इक्वेशन से, जो आपने जिससे ये कर्व आपने बनाया है उसकी इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो वो वाई की वैल्यू मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने वाई की वैल्यू फाइंड कर दी वन बाई वन, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को उधर ले जाकर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया, उसके बाद 9 को भी मल्टीप्लाई में भेज दिया, फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया हमने, वाई स्क्वायर था ना ये, वाई की वैल्यू के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो कुल मिलाकर वाई की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे कर्व के लिए वाई की वैल्यू तो इतनी है, अब हमें फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने के लिए तो मिल गई कि 3/4 इंटू ये रख देंगे, लेकिन लिमिट कहाँ से लेके आए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ना क्वेश्चन में जैसे सर्किल हुआ या ये हुआ, कुछ ना कुछ सिमेट्री होती है इनमें, और इसमें भी एक सिमेट्री ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर सकें, ये वाला जिसको मैंने शेडेड किया है, तो इसी का 4 गुना हो जाएगा पूरे इलिप्स का एरिया, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 पोर्शन बने हुए हैं। अगर आपने ये एरिया फाइंड कर लिया तो इसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी एरिया को, और आपको टोटल इलिप्स का एरिया पता चल जाएगा। अब ये एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा कर्व से लेकर एक्स एक्सिस तक गया हुआ है, कर्व से लेकर एक्स। हम एक्चुअली नीचे का नहीं यहाँ डिजाइन कर सकते एरिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मैंने पहले भी बताया था, ये फॉर्मूला जो एरिया हमें देता है वो सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया प्रोवाइड करता है, कर्व और एक्सिस के बीच में। अगर आप नीचे भी शेडेड कर दोगे तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ वही काम करता है जब एरिया कर्व और एक्सिस के बीच में हो। तो कर्व और एक्सिस के बीच का ये एरिया हमने डिजाइन कर लिया यहाँ पर, इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, इसी का 4 गुना कर देंगे बाद में, तो फाइनल एरिया मिल जाएगा। अब ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और इसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक बना ये पूरा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक्स की वैल्यू 4 है, तो लिमिट हो गई 0 से लेकर 4 तक। ये एरिया एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 4, तो हमें लिमिट भी पता चल गई, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स। अब आप अगर आपको इलिप्स का एरिया फाइंड करना है तो आप लिख दोगे लिमिट 0 से लेकर 4 तक, लिमिट 0 से 4 तक हो गई 3/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इससे ये एरिया मिल जाएगा आपको, इतना काम आप करेंगे, ये कैलकुलेशन करोगे, ये एरिया मिल जाएगा आपको, और फिर इस पूरे में जो भी आएगा 4 की मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी फाइनली ये कह सकते हैं, ये समझ में आया 4 की मल्टीप्लाई क्यों कराई, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पर चार पोर्शन है, हमें सिर्फ इतना नहीं, हमें पूरे एलिप्स का फाइंड करना था, तो पूरे एलिप्स का एरिया इस एरिया का 4 गुना होगा, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई करा दी यहाँ पर। अब जैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आप 3/4 को भेजोगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो, 4 इस 4 से कैंसिल होगा, बाहर सिर्फ 3 रह जाएगा, और लिमिट 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको याद हो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन कर लोगे, और ये मैं पिछले वीडियो में भी 2-3 बार बता चुका हूँ। इसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, इसकी कैलकुलेशन से आपको इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन आसान है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का फॉर्मूला यूज कर लो। तो एक इस कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जिनमें लिमिट वगैरह आपने खुद डिसाइड की। तो लिमिट हमने कैसे डिसाइड की, हमने देखा कि ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ आपको पता हो आप उसे वहाँ से स्टार्ट करो। आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, लोअर लिमिट हमें मिल गई, यहाँ तक आया ये एरिया यहाँ तक आया, यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो लिमिट 0 से 4 हमें मिल गई। इस कर्व के लिए y की वैल्यू ये थी, ये पूरी कर्व की इक्वेशन से प्राप्त की गई y की वैल्यू होती है, कि कर्व की इक्वेशन से जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम लिखते हैं वो वैल्यू हमने लिखी, और बस y इंटू dx और लिमिट पता चल गई थी। 4 की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि ये चारों एरिया सेम होंगे, एक का निकाला 4 की मल्टीप्लाई करते पूरे एलिप्स का एरिया पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक नई बात और सीखेंगे हम, ये एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था थोड़ा सा उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा चेंज है उसमें। उसमें बाद में लिखा हुआ था एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिखा हुआ था, मतलब यहाँ पर देखो कहीं नहीं लिखा मैंने कि एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एरिया फाइंड करो, सिंपली इतना लिख दिया कि इस कर्व और इन लाइन के बीच में कोई एरिया बाउंड होता होगा, उस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाकर देखते हैं कि फिगर में वो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, किस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये x एक्सिस के अराउंड सिमेट्री के एक पैराबोला आप बना लोगे, ये वाला लगे हाथ y की वैल्यू भी लिख दिया करो, जैसे ही आप कर्व बनाएं कर्व के ऊपर ही y की वैल्यू लिख दो, क्योंकि इसी से तो सारा काम होना है, इसी की ज़रूरत होती है हमें। y की वैल्यू कितनी आएगी इस कर्व से, y की वैल्यू आ जाएगी 2√x, जैसे ही अंडर रूट लोगे 4 का तो 2 हो जाएगा, 2√x आ जाएगी, और x इक्वल टू 1 की लाइन आप ये खींच दोगे, ये y एक्सिस थी, ये वाली x एक्सिस, x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 4 की लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दोगे, x इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि इस पैराबोला और इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ, तो आप अच्छे से समझो कि इस बार जो एरिया बाउंड हुआ है ना वो ये पूरा एरिया नीचे तक, ये वाला मतलब ऐसे ऐसे और इतना, इतना एरिया बाउंड हुआ है पूरा, यहाँ से लेकर ये नीचे तक, और ये पूरा इस बार ये एरिया बाउंड हुआ है, अच्छे से समझ लो इसे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। इससे पहले वाले में जब कह दिया गया था कि x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा, तब सिर्फ इतना एरिया हुआ था 8.1 का जो पहला क्वेश्चन कराया था, लेकिन इसमें ये पूरा हो जाएगा। अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना है, अब मतलब बहुत आसान हो जाएगा ये, कि जैसे आपको करना है ना, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि आप इस एरिया को जो वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला है हमारे पास, उससे फाइंड कर ही नहीं सकते। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से इस पूरे का एरिया फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला उनके लिए बना हुआ है जो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में होता है जो एरिया। अब इस एरिया को एक्स एक्सिस तक लेके आओ, सिर्फ इतना एरिया जितना मैंने शेडेड किया है, सिर्फ इतना एरिया आप देखो, खास तौर से ये वाला, यानी ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है। अब ये फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा, अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब एरिया एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में हो, तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में ये एरिया होगा, और बाई सिमेट्री आप देख सकते हो कि जितना एरिया ऊपर बाउंड होगा उतना ही एरिया नीचे रहेगा। तो इसमें बस काम क्या करना है आपको, कि एरिया तो आप यही कैलकुलेट करोगे, और बाहर 2 की मल्टीप्लाई करा देनी है, 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करा
बताई कि इस टाइप के यहाँ पर दो एरिया हैं, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। सपोज ऊपर का एरिया 6 आया और मैं आपसे पूछूँ कि टोटल कितना हो जाएगा, तो आप फटाक से बता दोगे कि टोटल 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसे ऐसे दो बने हुए हैं, आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिर्फ इतना एरिया फाइंड किया। अब इस एरिया के लिए लिमिट कितनी चलेगी, क्योंकि ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से लेकर 4 तक, तो लिमिट रहेगी 1 से 4 तक y dx। अब 2 तो बार मल्टीप्लाई में है ही, और लिमिट 1 से 4 y की वैल्यू क्या रखते हैं हम, y की वैल्यू वो वाली जो कर्व की इक्वेशन से मिलती है हमें इन टर्म्स ऑफ x। तो कर्व की इक्वेशन से मिली थी 2√x dx, ये 2 बाहर आकर इस 2 के साथ मिलके 2 × 4, और √x का इंटीग्रेशन आपको करना है और उसके बाद लिमिट रख देनी है, और ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं। √x का इंटीग्रेशन कराओ, लिमिट पुट करो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक ये वाले होते हैं कि बस ये बात समझाने के लिए मैंने इसे बताया कि 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कई बार हम क्वेश्चन में सिमेट्री का यूज करके एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसी के जैसे यहाँ पर और कितने एरिया हैं, तो उसी का हम डबल या ट्रिपल वगैरह कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 की मल्टीप्लाई कराई थी, सिर्फ एक एरिया फाइंड किया और 4 की मल्टीप्लाई करा दी, इसमें भी सिर्फ एक एरिया फाइंड किया, 2 की मल्टीप्लाई करा दी। तो बस ध्यान ये रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, ये सिर्फ तभी यूज करोगे जब एरिया पूरा एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में हो, केवल उन्हीं में ये वैलिडेट है फॉर्मूला। उसके अलावा हमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना पड़ता है, तो कुछ वैरायटी बन जाती है क्वेश्चन की, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना ही।